जिले में गढ़ थाना के लालगांव चौकी के अंतर्गत मऊहरिया में 60 वर्षीय वृद्ध का शव घर से दूर बगीचे में मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद खुलासा कर दिया गया है। बताया जाता है कि वृद्ध की दम घुटने से मौत हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि अवैध संबंधों को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरा मामला लालगांव चौकी के मऊहरिया गांव निवासी राजकुमार मिश्रा की हत्या से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने संदेही से जब पूछताछ शुरू की तो हत्याकांड का रहस्य भी सामने आ गया। बताया जाता है कि पुलिस को आरोपियों ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते श्याम लाल पिता राम निहोर निवासी मऊहरिया थाना गढ़ अपनी पत्नी सुनीता बाई के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी श्यामलाल वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। लौट कर आया तो अपनी पत्नी को बगीचे में मृतक के साथ संदिग्ध अवस्था में पाया, जिसके बाद वो देखकर बौखला गया और गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया तो ये भी जाता है कि पति ने मोबाइल में फोन कर वृद्ध को बगीचे में बुलाया था, जहाँ पति ने आपत्तिजनक हालत में देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये भी शंका व्यक्त की जा रही है कि सुनियोजित तरीके से आरोपी पत्नी से फोन लगवाकर बगीचे में बुलवाया और वारदात को अंजाम देकर मृतक के गले में पहनी हुई चेन लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिलने की बात मनधड़क बताई जा रही है।